हेलो बच्चे, तो कैसे हो बच्चे? आप लोग बच्चे, आई होप कि सब कुछ अच्छा होगा आपका। तो आइए आज के क्लास में हम लोग SSS सिमिलरिटी देखेंगे। इससे पहले हमने AAA सिमिलरिटी और उसका कोरोलरी जो होता है A सिमिलरिटी, दोनों को हमने पढ़ लिया है। अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दिया गया है, तो आप प्ले लिस्ट खोलें और वहाँ से आप इसके जस्ट पहले वाला वीडियो जा करके देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चे आइए SSS सिमिलरिटी को देखते हैं। SSS सिमिलरिटी करने का मतलब क्या हुआ? SSS साइड साइड साइड, S का मीनिंग क्या होता है? साइड, S फॉर साइड होता है। तो SSS सिमिलरिटी करने का मतलब है कि अगर दो ट्रायंगल में सर करस्पोंडिंग साइड जो है ना सर, वो अगर प्रोपोर्शनल हो, कहने का मतलब सर AB बाई DE क्या सर? प्रोपोर्शनल साइड का रेशियो अगर इक्वल हो तो उसी को प्रोपोर्शनल बोलते हैं। BC बाय EF क्या सर? EF इज इक्वल टू AC बाय क्या होगा? DF होगा। तो आपका SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया जो है यही बोलता है कि सर अगर आपके दोनों ट्रायंगल का करस्पोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाए तो सर वो दोनों ट्रायंगल जो है आपका क्या हो जाएगा सर? सिमिलर हो जाएगा। आपका वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। आइए इसको प्रूव करते हैं। तो यहां सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? गिवन लिखेंगे इन टू ट्रायंगल, गिवन इन टू ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ। दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ, इस दोनों में यही चीज दिया हुआ है। एबी बाय डी बराबर बीसी बाय ईएफ बराबर सर दिया हुआ है एसी बाय डीएफ। चलिए, तो हमको प्रूव करना है सर। तो प्रूव क्या प्रूव करना है बच्चे? प्रूव करना है कि ट्रायंगल एबीसी जो है ए नकारात्मक, अच्छा ये भी करा है, करस्पोंडिंग एंगल्स जो होगा वो क्या होगा सर? इक्वल होगा। एंगल ए इज इक्वल टू क्या? एंगल डी। ये प्रूव करना है सर। एंगल बी इज इक्वल टू क्या चला? एंगल ई। और फिर एंगल सी इज इक्वल टू कितना? एंगल एफ। एंड और क्या प्रूव करना है? ट्रायंगल एबीसी कंग्रुएंस ट्रायंगल, कंग्रुएंस नहीं सर, सिमिलर ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल क्या हो जाएगा सर? डीईएफ। यही प्रूव करना। चलिए, तो आइए ए के बाद हम लोग एसएसएस देखते हैं। इसमें कंस्ट्रक्शन सेम होगा जैसा आपने पिछला में देखा कि सर एबी के बराबर आप यहाँ डीई पर क्या करेंगे? डीपी कट कर लेंगे। एबी के बराबर डीपी कट कर लेंगे, ये आपका पी हो। और फिर एसी के बराबर क्या कट कर लेंगे सर? डीक्यू। कहाँ पर? डीएफ पर सर, ये आप डीक्यू कट कर। और फिर पी से क्यू को क्या कर दिए? ज्वाइन कर दीजिए सर। पी से क्यू को क्या कर दिए? ज्वाइन। तो कंस्ट्रक्शन में लिख दीजिए सर, एक कट एबी बराबर क्या कट किया सर? डीपी। एंड एसी बराबर क्या कट किया बच्चा? डीक्यू कट कर लिया। एसी बराबर कट कर लिया डीक्यू। एंड ज्वाइन, ज्वाइन कर दिया किसको? पी को क्यू से। ज्वाइन पी टू, समझ रही है सपना? ज्वाइन पी टू क्यू। अब देखो सर प्रूफ, अब आते हैं प्रूफ। दिया क्या हुआ है सर? एबी बाई डी बराबर बीसी बाई ई एफ बराबर क्या सर? एसी बाई डी एफ दिया हुआ है। ये चीज तो ध्यान से देखेंगे सर। अभी हम लोग एक काम करेंगे, इसको और इसको लेंगे। इसको लेने से आपको कुछ दिखेगा सर। एबी बाई डी है सर, एबी बटे क्या है? डी इज इक्वल टू क्या है बाबू? एसी बाय डी एफ, एसी बाय डी एफ। ये चीज आपको दिया हुआ है। ए बी बाई डी बराबर क्या सर? ए सी बाई डी एफ। एक काम करें सर, ए बी के जगह पे सर आप डी पी लिख सकते हैं। कहां से सर? कंस्ट्रक्शन से। कहां से? कंस्ट्रक्शन से। डी पी बाई क्या हो जाएगा? डी पी। और ए सी के जगह पे आप क्या लिख सकते हो बाबू? ए सी के जगह पे लिख सकते हैं डी क्यू। तो चलो भाई, ए सी के जगह पे डी क्यू बाय क्या हो जाएगा सर? डी आर। डी क्यू बाय
कंस्ट्रक्शन से आपने क्या किया, ए बी के जगह पे रख दिया डीपी और ए सी के जगह पे क्या रख दिया सर, डी क्यू रख दिया। तो ध्यान दीजिए सर, डीपी बटे डी, डीपी बाई क्या सर, डी बराबर डी क्यू बटे क्या हो गया सर, डी एफ हो गया। डी क्यू ये आपका डी क्यू है और ये कंप्लीट आपका क्या है सर, डी एफ। ए स्टेटमेंट समझ में आ गया ना, इसको मिटा देना सर। स्टेटमेंट में यही बात करता है कि सर अगर करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल है तो वो दोनों ट्रेंगल आपका क्या हो जाएगा सर, सिमिलर हो जाएगा। गाइस अब देखिए बच्चों, अब आपका डी पी बाई डी बराबर आ गया है सर, डी क्यू बटे डी एफ आ गया। अब क्या करेंगे आप, अब सर एक तो डायरेक्ट कोरोलरी से आप सेल्स थ्योरम का कन्वर्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा तो मैं ऐसा करता हूं सर, डीपी बटे डी है, डीपी बटे डी, ध्यान दो बच्चा, डीपी बटे क्या है सर, डी बराबर क्या, डी क्यू बटे डी एफ। ये आपको सेल्स थ्योरम का कोरोलरी नजर आ रहा होगा सर, ये कहां से आता है, ये यहीं से आता है सर, डीपी बटे पी, डीपी बटे क्या सर, पी बराबर क्या सर, डी क्यू बटे क्या, क्यू एफ, डी क्यू बटे क्या, क्यू एफ, यही ना बउआ। तो सर जब आप ऐसा बोल दिए डीपी बाई पी बराबर डी क्यू बटे क्यू एफ, तो ये थेल्स थ्योरम के कन्वर्स से ये प्रूव हो गया कि सर पी क्यू जो है वो किसके पैरेलल है, ई एफ के पैरेलल है ना जी सर, देयरफॉर पी क्यू पैरेलल टू क्या सर, आपका पी क्यू जो है वो ई एफ के पैरेलल हो गया बाय कन्वर्स ऑफ, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। बातचीत मत करो बाबू, थेल्स थ्योरम बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम के कन्वर्स से सर पी क्यू आपका ई एफ के क्या हो गया, पैरेलल हो गया। अब जरा बताओ जब पी क्यू सर ई एफ के पैरेलल हो गया तो एंगल पी बराबर क्या सर, एंगल हो गया ना जी, और एंगल क्यू बराबर क्या हो गया चला, एंगल एफ आ गया सर। चलिए सर पी क्यू पैरेलल ई एफ, पी क्यू आपका ई एफ के पैरेलल हो गया तो जरा बताओ तो एंगल पी बराबर क्या लिखेंगे सर, एंगल ई, का है सर, का है करस्पॉन्डिंग एंगल है सर, करस्पॉन्डिंग एंगल क्यू इज इक्वल टू सर एंगल एफ, यहाँ लिख लेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है सर, इक्वल होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल सर। चलिए तो करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो गया सर एंगल पी बराबर एंगल ई, एंगल क्यू बराबर एंगल एफ। अब एक बात बताओ नुनू, ट्रेंगल डी पी क्यू देखो, डी पी क्यू और ट्रेंगल डी ई एफ क्या हो गया, सिमिलर ट्रेंगल हो गया, एस क्या लिखेंगे, ट्रेंगल डी पी क्यू, ट्रेंगल डी पी क्यू सिमिलर ट्रेंगल, सिमिलर है ना, ट्रेंगल डी ई एफ दोनों सिमिलर हो गया सर, इसका मतलब दोनों का जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब सर डी पी बटे क्या सर डी, इम्प्लाइज डी पी बटे क्या सर डी, क्या इसमें कोई दिक्कत है ना किसी को सर, जब ये दोनों ट्रेंगल यानी छोटका बड़का ट्रेंगल अगर सिमिलर हो गया तो छोटका और बड़का ट्रेंगल का जो करस्पॉन्डिंग साइड होगा वो कौन सी होगा सर, प्रोपोर्शनल होगा। तो डी पी छोटका का साइड हो गया और डी हो गया बड़का का, तो डी पी बटे डी अब बराबर फिर छोटे वाले का डी क्यू और बड़े वाले का सर डी एफ, तो डी क्यू बटे क्या हो गया डी एफ हो गया, डी क्यू बटे डी एफ, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम। चलो सर अब आगे पी क्यू बटे क्या हो जाएगा सर, ई एफ हो जाएगा, पी क्यू बटे ई एफ। अब तुम एक बात बोलना चला, डी पी के बराबर कौन है, ए बी और डी क्यू के बराबर कौन है ए सी है ना, डी पी के जगह पे डी और डी क्यू के जगह पे क्या ए सी रख रहे हैं, डी पी के बराबर डाल दो सर ए बी डाल दो, ए बी बाई क्या सर डी इज इक्वल टू डी क्यू के जगह पे क्या डाल दो ए सी, ए सी बाई डी एफ इज इक्वल टू पी क्यू बाई
ईएफ है ना सर, पीक्यू बाय ईएफ, बट सर बट में कुछ लिखना पड़ेगा सर, लेकिन आपको दिया हुआ है सर कि ए बी बटे डी, अभी हम जिसको मिटाए सर वो गिवन था, क्या सर गिवन क्या था, बट ए बी बटे डी बराबर ए सी बटे डी एफ बराबर है बी सी बटे क्या सर ई एफ, ये पहले से आपको गिवन था, आप देखिए सर ऊपर पे हम लिखे थे उसको जस्ट अभी मिटाए हुए, ठीक आप लाए इतना सर लेकिन गिवन इतना है सर, इससे सर प्रूव हो गया कि पी क्यू जो है वो किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। तो अब देखिए बच्चों जब आपका बी सी जो है वो सर किसके बराबर आ गया, पी क्यू। अब कंस्ट्रक्शन में सर ए बी बराबर आप बी पी ले लिए थे और ए सी बराबर क्या ले लिए थे सर, डी क्यू लिए थे, और आपने प्रूव कर दिया कि बी सी जो है, बी सी जो है वो आपका पी क्यू के क्या है, इक्वल है। तो सर एस 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 से क्या ट्रेंगल ए बी सी और ट्रेंगल डी पी क्यू कन्वर्जेंस नहीं हो गया सर, यहाँ लिखिए सर इन ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल क्या बोलो बाबू, डी पी क्यू, ट्रेंगल डी पी क्यू। अब इस दोनों में सर ए बी इज इक्वल टू क्या बोलो, डी पी, ए बी इज इक्वल टू डी पी, ए सी इज इक्वल टू क्या सर, डी क्यू, एंड बी सी इज इक्वल टू क्या सर, पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू पी क्यू। ये तो अभी आप प्रूव किए हैं अभी, और ये दोनों चीज कहां से आ गया है, बाय कंस्ट्रक्शन, ये दोनों चीज आपका कंस्ट्रक्शन से आ गया और बी सी बराबर पी क्यू, इसको अगर इक्वेशन फर्स्ट बोल दे हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। चलिए तो एस 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 से सर देयरफॉर बाय एस ए एस कंग्रुएंस, कंग्रुएंस ट्रेंगल ए बी सी जो हो गया बाबू, ट्रेंगल ए बी सी जो है ये कंग्रुएंस हो गया ट्रेंगल किसके, डी पी एस 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 बाय एस ए बाय एस 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 कंग्रुएंस सर, ट्रेंगल ए बी सी जो है वो किसके कंग्रुएंस हो गया बच्चा, ट्रेंगल डी पी क्यू के कंग्रुएंस हो गया। अब देखिए इसका मतलब सर एंगल ए इज इक्वल टू क्या आ गया, एंगल डी, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू क्या सर, एंगल डी, और एंगल बी इज इक्वल टू कितना सर, एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी। अच्छा एंगल पी बराबर आपने प्रूव किया था सर, एंगल प्रूव किया हुआ है क्या सर, एंगल पी बराबर कितना, एंगल पी, जरा बताओ तो एंगल बी बराबर जब सर एंगल पी है इंप्लाइज एंगल बी बराबर क्या लिख सकते हैं, एंगल पी के जगह पे क्या लिखोगे, एंगल ई, ये आपका एंगल ई होगा, और साथ ही साथ सर एंगल सी बराबर आपका क्या हो जाएगा, एंगल क्यू। तो सर एंगल सी बराबर आपका एंगल क्यू आ जाएगा, और एंगल क्यू बराबर आपने क्या प्रूव किया हुआ है, एंगल एफ, तो इंप्लाइज सर एंगल सी बराबर एंगल एफ। तो आप देख रहे हैं सर एंगल ए बराबर एंगल डी भी हम प्रूव कर लिए, एंगल बी बराबर एंगल ई भी प्रूव कर लिए, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ भी प्रूव कर लिए। तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल प्रूव करना था सर, तो हमने करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल प्रूव कर लिया। अब जब सर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया तो ए सिमिलरिटी से आपका ट्रेंगल ए बी सी और ट्रेंगल डी ई एफ दोनों क्या हो गया सर, सिमिलर हो गया। यहाँ लास्ट में आप लिख देंगे देयरफॉर ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर ट्रेंगल क्या सर, डी ई एफ, डी ई एफ बाय एस ए बाय ए ए ए आपका। प्लीज आप इसको नोट कर लीजिए सर, आगे बढ़ेंगे। तो बच्चे आज के लिए हम यहीं पर रुकेंगे, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर, शेयर करना कभी मत भूलिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए सिमिलरिटी क्राइटेरिया के साथ। Thank you so much.